आप ही वापिस आइए। तो मैंने कहा मेरे को वोट देने दीजिए। थोड़ी बहस हुई और बहस होते ही उन्होंने मेरे के सामने बंदूक तान दी, और बंदूक तानी तो मैंने थोड़ी नाराजगी जताई। बस इतना सा वाकया था, इसे ज्यादा कुछ नहीं था। और इसको जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि जो वाकया वहाँ पे हुआ है, अगर किसी को भी इस वाकये से ठेस पहुंची है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ कि मैंने, मेरी कोई ऐसी सोच नहीं थी। मैंने तो मेरी सिर्फ नाराजगी जताई थी कि हमारी महिलाओं के साथ इस प्रकार से अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हो। इस प्रकार से महिलाएं नाराज हो रही थी, तो महिलाओं ने सारी जानकारी दी है। और मैं ये मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ गौरव सेनानियों का विधानसभा क्षेत्र रहा है, और सबसे ज़्यादा सैनिक कहीं हैं तो विधानसभा में हैं। मेरे दादू साहब भी फौज में रहे हैं, मेरे दो काकू साहब फौज में रहे हैं। मैंने हमेशा हमारे सैनिकों का सम्मान किया है। सैनिक हमारे देश की धरोहर है, और जो जब हम सोते हैं तो हमारे देश की रक्षा करते हैं। और ऐसे गौरव सेनानी विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़, इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा सैनिक है। चार बार लगातार यहाँ का सेवा करने का अवसर हमें मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है इस धरती की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और यहाँ के 100% जो पूर्व सेनानी हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, और हमेशा उनका सम्मान किया है। उनकी समस्याओं के लिए, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं। तो इतना ही वाक्य था, और कोई आपको बात? सर, जब ये दुर्व्यवहार हुआ तो उस समय में कोई महिला सुरक्षा अधिकारी या महिला पीठासीन अधिकारी उपस्थित थी वहाँ मुख्य गेट पर? ये केवल सुरक्षाकर्मी थे और पुरुष सुरक्षाकर्मी थे, महिला सुरक्षाकर्मी भी वहाँ नहीं थी। तो इसके संबंध में सर, जब प्रशासन को सूचना आपके द्वारा दी गई कि महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है, तो प्रशासन ने कोई महिला सुरक्षा अधिकारी को तैनात किया उसके बाद सहूलियत के लिए? नहीं, उनने जो अधिकार समझाया लेकिन वो माने नहीं। और जब मैं वोट देने के लिए वहां गया और मैंने वहां हालात देखे, तो हालात देखने के बाद में वो पीठासीन अधिकारी भी इस प्रकार से कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी करण सिंह जी के वो रिश्ते में भाई लगते हैं बालू सिंह की, तो वो भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार मतदाताओं के साथ कर रहे थे। वोट परसेंटेज नहीं हो रहा था और वोट डालने नहीं दे रहे थे। तो मैंने शिकायत की और अधिकारी आए, हमारे उपखंड अधिकारी वगैरह सारे अधिकारी आए, जिला कलेक्टर शिकायत की गई, IG शिकायत की, SP शिकायत की। तो उन्होंने आकर जांच की, और जांच में मेरी जांच को उन्होंने सही माना, और सही मान करके वो जो सुरक्षाकर्मी थे उनको भी वहां से हटाया, और पीठासीन अधिकारी थे उनको भी वहां से हटा करके दूसरे पीठासीन अधिकारी और सुरक्षाकर्मी जवान वहां तैनात किए। भविष्य में सर, महिलाओं के साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं हो, इसके लिए आप आगे क्या कदम बढ़ाएंगे? मैं तो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जब विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष था और फिजिकल कॉलेज जोधपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ और उनके साथ घिनौना कृत्य किया गया था, तब भी हमने वहाँ 15 दिन आंदोलन करके, और उस महाविद्यालय के प्रिंसिपल और दो शारीरिक शिक्षक थे, उनको सरकार से नौकरी से बर्खास्त कराया था और उनको न्याय दिलाया था। तो हमेशा हमारी बहन बेटियों का सम्मान हो और उनकी इज्जत आबरू का सम्मान हो, हम उनके उसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और उनके पैरोकारी करते रहे हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे। इसमें सर दो प्रकरण आ रहे हैं, एक तरफ जहां प्रशासन आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए भी आवाज उठ रही है। तो क्या आप निर्वाचन आयोग से या इस तरह की मांग रखेंगे कि आगे भविष्य में महिलाओं की जांच के लिए, सुरक्षा के लिए, जहां VIP मूवमेंट होता है वहां पे कम से कम महिला सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की जाए? जिस तरह उस मतदान क्षेत्र की जो महिलाएं और जिनके घूंघट उठाए गए थे, वो तो वही शिकायत दर्ज कराएगी, और वो जब शिकायत दर्ज कराएगी तो हम उनके न्याय के लिए बात करेंगे, नंबर वन। दूसरा, जिस प्रकार से मैं ही सोचता हूँ कि अगर हमारे खिलाफ कोई प्रकरण आया है तो जांच के लिए 189 में मामली रपट दर्ज हुई है, उसकी जांच हो रही है। मैं कह रहा हूँ जांच होनी भी चाहिए, जो गलत है और उसके लिए जो न्यायोचित है वो होना।